नमस्कार, प्राइम न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी शुक्ला। प्राथमिक विद्यालय सिंधियामा में निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्वेटर वितरण कार्यक्रम में बोले भाजपा विधायक बैजनाथ रावत सुबह बाराबंकी। विकास खंड हैदरगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा सिंधियामा में प्राथमिक विद्यालय में निःशुल्क स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत जी के कर कमलों द्वारा विद्यार्थियों को स्वेटर और मास्क दिया गया, जिसके अंतर्गत विधायक बैजनाथ रावत ने कहा कि कोविड-19 को नजर में रखते हुए स्वेटर के साथ बच्चों को मास्क देना अति आवश्यक है। और वहीं ग्राम प्रधान विक्रम सिंह की बहुत बढ़ चढ़ कर प्रशंसा की कि जो ग्राम प्रधान कायाकल्प योजना के अंतर्गत विद्यालय में मरम्मत और नवीनीकरण करवाया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, प्रधान विक्रम सिंह को धन्यवाद देते हैं कि जनपद बाराबंकी में यह प्रथम विद्यालय है कि जो आपके बच्चों को जो सुविधा एक प्राइवेट विद्यालय में मिल रही है उससे कई गुना अधिक सुविधा इस प्राथमिक विद्यालय में आपको मिलेगी। और प्रधान सिंह को ब्लॉक में सम्मान पत्र भी मिल चुका है। और आगे कहा कि हम उन सभी अधिकारियों को धन्यवाद दे रहे हैं जो कि प्रधान विक्रम सिंह को अपना सहयोग दिए हैं। स्वेटर वितरण कार्यक्रम में मुख्य रूप से खंड शिक्षा अधिकारी नवाब वर्मा, SMC अध्यक्ष रामलखन, प्रधानाध्यापक राजदीपक चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के सुबेहा मंडल अध्यक्ष राम सागर मौर्य टिकरुहा, ग्राम प्रधान हनुमान प्रसाद द्विवेदी, ब्लॉक अध्यक्ष ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, बीपी तिवारी, पवन तिवारी, डॉक्टर भगवान दत्त तिवारी, मनोज तिवारी, गिरिजा शंकर तिवारी, सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंडल ब्यूरो अयोध्या, रविंद्र कुमार मिश्र के साथ वेद प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। विधायक जी, जो ये कायाकल्प के तहत सिधियावा ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान द्वारा इस विद्यालय कायाकल्प किया गया है जिसको इन्होंने मॉडल स्कूल का रूप दिया है, इस पर आप क्या कहें? सिधियावा के ग्राम प्रधान श्री विक्रम सिंह जी ने जो कायाकल्प के द्वारा विद्यालय का कायाकल्प किया वो हमारे बाराबंकी जिले में एक मानक है और बहुत ही सराहनीय काम है इनका। ये योजना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ के दिमाग की उपज है। उन्होंने कहा कि शहरों में बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, अधिकारियों के बच्चे बड़े बड़े विद्यालय में पढ़ते हैं, उनकी भव्य बिल्डिंगें होती हैं, वहाँ के साथ सजा बहुत अनोखी होती है। और हमारा उत्तर प्रदेश गाँव में बसता है, तो योगी जी ने कहा कि गाँव के किसान के मजदूर के बच्चे भी उसी तरह की बिल्डिंग में पढ़ें, इसलिए उन्होंने प्राइमरी स्कूल जितने हैं जर्जर स्थिति में थे सबको कायाकल्प करके एक अच्छी बिल्डिंग देने का एक सपना देखा और उसी का ये परिणाम है कि कायाकल्प पूरे उत्तर प्रदेश में हुआ। प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंगें बहुत सुधरी, वहाँ पर हैंडपाइप की व्यवस्था हो गई, वहाँ बाउंड्री हो गई, वहाँ शौचालय बन गए, बच्चियों के लिए दूसरा शौचालय है, बच्चों के लिए दूसरा शौचालय है। और जो प्रधान जितना चाहा है उससे बेहतर करने की कोशिश की, हर कमरों में बिजली पहुंच गई, लाइट है, पंखे लगे हैं, अध्यापकों को बैठने का उचित व्यवस्था है, ये किचन की सकल सूरत बदल दी गई है। तो जो अब हमारा अगर किचन हमारा बढ़िया बन गया तो किसी तरह का कीटाणु उसमें नहीं आएगा। और विद्यालय की चमकदार विद्यालय है, तो विद्यालय में अब हमारे प्राइमरी स्कूल का बच्चा कहता है कि हम मॉन्टेसरी स्कूल में नहीं जाएंगे, अपने गाँव के प्राइमरी स्कूल में जाएंगे, ये भावना गाँव में बढ़ गई है। तो जिस तरह से विक्रम सिंह जैसे ग्राम प्रधान ने अपने विद्यालय का कायाकल्प करके बाराबंकी जिले में एक प्रथम स्थान हासिल किया है, इसी तरह ये दूसरे प्रधानों के लिए एक तरह से नसीहत है, इनसे सीख लेनी चाहिए। और हम इनकी भूरभूरी प्रशंसा करते हैं कि जिस तरह से इच्छा शक्ति लगा करके इन्होंने कायाकल्प से सुपर कायाकल्प किया है विद्यालय का, ये बहुत ही सराहनीय है। और वहाँ उत्तर प्रदेश के सभी प्रधानों को इसे सीख लेनी चाहिए और हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। इसके साथ जो सूत्रधार थे वो हमारे हैदरगढ़ के खंड शिक्षा अधिकारी श्री नवाब वर्मा जी थे और जो हमारे यहाँ के विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सभी अनुदेशक शिक्षा में सभी लोगों ने मिल करके इसमें योगदान किया, उसके लिए ये सभी बधाई के पात्र हैं। और आज निःशुल्क स्वेटर वितरण का कार्यक्रम रखा, उसी बहाने हमारा यहाँ आने का मौका मिला और हमने इसको देखा है। हम यहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी लाएंगे, हम यहाँ जिला अधिकारी को भी लाएंगे, क्योंकि जब कोई देखेगा तो उसकी कहीं ना कहीं दूसरी जगह उसका अनुकरण करेगा। तो आज निःशुल्क स्वेटर वितरण में हम यहाँ आए, हमको प्रधान ने आमंत्रित किया, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने आमंत्रित किया, हम उन्हें आभार व्यक्त करते हैं उनके प्रति और हम सभी शिक्षकों को धन्यवाद देते हैं।